नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल, में हूं आपके साथ महेश जैन। अब बात करते हैं नवरात्रि पर्व की। तो नीमच में हर बार की तरह इस वर्ष भी रोटरी क्लब नीमच कैंट के तत्वाधान में अविनाश ग्रुप द्वारा 11वां रोटरी चक दे डांडिया का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इसको लेकर रोटरी क्लब नीमच द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस बार रोटरी चक दे डांडिया का आयोजन बंगला नंबर 60 नगर पालिका मैदान में किया जा रहा है। नवरात्रि के 9 दिनों में रोटरी क्लब नीमच कैंट द्वारा आयोजन स्थल पर माता रानी का आकर्षक भव्य दरबार सजाया जाएगा। रोटरी चक दे डांडिया के महोत्सव की तैयारियों को लेकर आज संस्था अध्यक्ष अंतिम जैन, सचिव विनोद त्रिपाठी, देवेंद्र खंडेलवाल, ओम प्रकाश काबरा, मुकेश बाहेती, अनिल दरक, कांतिलाल भंसाली, सुरेश सैनी, चंचल बाहेती, राकेश सिंह, राबिन सेठिया, मयंक जायसवाल सहित संस्था सदस्य आयोजन स्थल पहुँचे और व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए रूपरेखा तैयार की। वहीं रोटरी क्लब नीमच कैंट के सदस्यों ने शहरवासियों से रोटरी चक दे डांडिया महोत्सव में बढ़ चढ़ कर सम्मिलित होकर आयोजन को ऐतिहासिक सफल बनाने की अपील की। रोटरी क्लब नीमच कैंट नीमच शहर की अग्रणी सामाजिक और सांस्कृतिक संस्था है। विगत 10 वर्षों से संस्था द्वारा रोटरी चक दे डांडिया के टाइटल से बड़े स्तर पर नवरात्रि गरबा उत्सव का आयोजन शहर की जनता के बीच में किया जा रहा था। इस वर्ष भी हम इस आयोजन को और भव्य और बड़े स्तर पर यहाँ आयोजित करने जा रहे हैं। इस हेतु हमने नगर पालिका स्वामित्व का बंगला नंबर 60 का यह मैदान चुना है और निश्चित रूप से जिस तरह की हमको लंबी चौड़ी और बड़ी एक जगह चाहिए थी, यहाँ पर्याप्त वो सभी हमको जगह भी उपलब्ध हो रही है। इस वर्ष इस आयोजन के अंदर बड़ी संख्या में गरबा रास करने वाले प्रतिभागी भी इस आयोजन में सहभागी बनेंगे। साथ ही शहर की शानदार जानदार जनता भी इस आयोजन के अंदर यहाँ तक देखने के लिए आएगी और इस आयोजन को सफल बनाएगी। यह हमारे इस रोटरी कैंट का लगातार 11वां उत्सव हैगा और इस वर्ष चूँकि ये 11वां वर्ष है, इसलिए हम सभी सदस्य तन मन धन से इस आयोजन को सफल बनाने में अभी से लग गए हैं। रोटरी क्लब नीमच कैंट द्वारा 11वें वर्ष में जो प्रतिवर्षानुसार जो नवरात्रि पर्व पर जो गरबा महोत्सव का आयोजन किया जाता है, इस बार जो है हमारे अध्यक्ष महोदय और पूरी टीम के माध्यम से बहुत ही आकर्षक और भव्य गरबा महोत्सव करवाए जाने का निर्णय पूरे रोटरी क्लब नीमच कैंट की टीम ने लिया है। और जहां तक कि व्यवस्थाओं का प्रश्न है, पूरे नीमच शहर में या यूँ कहें कि पूरे नीमच जिले में सर्वोत्तम व्यवस्था मुहैया कराने का हमने यहाँ एक संकल्प लिया है। उसी संकल्प के तहत हमने आज यहाँ ग्राउंड का भी अवलोकन किया है कि किस तरह से हम यहाँ ग्राउंड की व्यवस्थाएं देखेंगे, पार्किंग व्यवस्थाएं क्या होगी, सिक्योरिटी के क्या प्रबंध रहेंगे, नगर पालिका से हमने जो अनुमति वगैरह प्राप्त करके और बहुत ही विधिवत रूप से बहुत विधि के स्वरूप में हमने इसको आज यहाँ एक व्यवस्थित प्लान बनाकर हम इसको एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। और नीमच शहर की शानदार जनता के लिए इससे बढ़िया और अनुपम जगह नहीं हो सकती। मैं समस्त दर्शकों से और मीडिया के माध्यम से सभी धर्मप्रेम जनता से मैं यह अनुरोध करता हूं कि इस आयोजन में आप सभी लोग आएं, इस आयोजन को आप देखें। नीमच शहर की प्रतिभाएं भी यहां अपना जो है पूरा जो है यहां अपना कला का प्रदर्शन यहां करेगी और काफ़ी ग्रुप्स की एंट्रीज जैसे ही यह खबर लगी कि रोटरी नीमच कैंट इस साल डांडिया चक दे डांडिया महोत्सव का आयोजन कर रहा है, जो बहुत बड़ा महोत्सव है, माता रानी की कृपा से नवरात्रि के इस पावन पर्व पर काफ़ी ग्रुप की इंट्रीज और स्पॉन्सरशिप हमसे बराबर संपर्क बनाए हुए हैं और हमें काफ़ी हर्ष और उन्माद का आनंद हो रहा है कि इतने लोग कहीं ना कहीं माता जी के माध्यम से नवरात्रि पर्व के माध्यम से हम सभी से जुड़े हुए हैं। ये अपने आप में एक अनुपम कार्य है और कहीं ना कहीं हम क्लब के सभी सदस्य लोग मिलकर इस कार्य को करने के लिए प्रयत्नशील हैं। हमारा तो बस इस अवसर पर इतना ही अनुरोध है कि जो व्यवस्थाएं हमारे द्वारा यहाँ की जा रही है, यह नीमच शहर की जनता के लिए काफ़ी आरामदायक, लाभदायक, सुविधापूर्ण